एवरी स्किल यू लर्न कैन बूस्ट योर इनकम टू द नेक्स्ट लेवल। दोस्तों, जब हम लोगों से पूछते हैं क्या वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, हर इंसान बोलता है हाँ, हमें भी और पैसा कमाना है। लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि उनको कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है इस पैसे को कमाने के लिए। वो हमेशा इधर उधर सोचते रहते हैं, लेकिन कभी फोकस नहीं करते सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको लाइफ में एक एज प्रोवाइड कर सकती है। योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट ऑलवेज डिफाइंस योर पर्सनैलिटी। जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, उनकी पर्सनैलिटी भी स्ट्रांग होती है। वापस जाओ अपने स्कूल के दिनों में। जो इंसान अपने सारे काम बहुत आसानी करवा लेता था, जो सबसे ज्यादा सोशल था, लोगों से बात करवा पाता था, क्या आपको पता है कि वो सबसे ज्यादा पढ़ाई में अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन तब भी उसके काम हो जाते थे क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती थी। और हम बाकी सारे लोग स्ट्रगल करते रहते थे। मेरे भी कम्युनिकेशन स्किल्स एक टाइम पे बहुत खराब थी। एंड्रयू कार्नेगी, जो एक टाइम पे अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन थे, उन्होंने बहुत बड़ी स्टील इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन क्रिएट करा। एंड्रयू कार्नेगी ने इस दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाई, जिसका नाम था कार्नेगी स्टील। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको स्टील के बारे में हार्डली कुछ पता था। तो उन्होंने ये सब किया कैसे? बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट कम्युनिकेटर। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि जिन लोगों को स्टील के बारे में बहुत कुछ आता था, उन्होंने उनको हायर किया, इतनी बड़ी कंपनी बनाई और वेल्थ क्रिएट करी। 85% ऑफ योर फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। आप जितना अच्छा कम्युनिकेट करते हो, उतनी अच्छी आपकी फाइनेंशियल सक्सेस होती है। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट भी है, वो है इंग्लिश स्पीकिंग। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट ये भी है कि इंग्लिश इस दुनिया की वाइडली सबसे वाइडली स्पोकन लैंग्वेज में से एक है। अब आप बोलोगे, यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो क्या मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क। अगर फॉर सपोज आप एक फैक्ट्री वर्कर हो, तो हो सकता है बिना इंग्लिश के आपका काम चल जाए। लेकिन अगर आप एक मैनेजर या फिर एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मिस्टर धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी को भी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने सीखी। और वो ये कहते हैं कि जब से मैंने इंग्लिश सीखी तो मेरी कॉन्फिडेंस और मेरी रिस्पेक्ट इस दुनिया में और ज़्यादा बढ़ गई। क्या आपको ये बात पता है कि इंडिया के अंदर करंटली 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंजीनियर्स हैं? और इन इंजीनियर्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे चल के MBA परस्यू करते हैं। MBA परस्यू करने के बाद ये लोग आगे जाके मैनेजरियल जॉब्स करते हैं, और मैनेजरियल जॉब्स के अंदर उनको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ता है। क्योंकि वो लोग अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं देते, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते, तो उनकी ग्रोथ या तो रुक जाती है या स्लो डाउन हो जाती है। उनको बहुत प्रॉब्लम आती है प्रेजेंटेशंस देने में, और साथ ही साथ उनको इशू आता है अपने कोलीग्स के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर। इसकी वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। मतलब एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन उनको फेयर पे नहीं दिया जाता। आप अपनी टेक्निकल स्किल्स से कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन आप तब तक लीड नहीं कर पाओगे, लीडर नहीं बन पाओगे, जब तक आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। इग्नोरेंस इज एक्सपेंसिव। कभी कभी इग्नोरेंस बहुत महंगी पड़ती है। बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी एक बात कहते हैं, दैट गुड इंग्लिश गिव्स यू एन एज इन लाइफ। अच्छी इंग्लिश आपको हमेशा एक एज प्रोवाइड करती है। इंग्लिश बोलने में भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। पहला, जैसे राइट वर्ड्स, लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन से राइट वर्ड्स हैं और कब यूज़ करने हैं। इसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, लोग बहुत नर्वस होते हैं और फंबल करते हैं जब वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि वो ग्रामेटिकल एरर्स कर देते हैं जब वो इंग्लिश बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंस करते हुए ग्रामेटिकल एरर्स करना। इसके अलावा जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है हमारे देश में, वो है कॉन्फिडेंस की। लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है जब वो इंग्लिश में बात करते हैं, और बहुत लोगों को ये लगता है दैट आई कांट, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें? हाउ डू वी फिक्स दिस? इसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। अपने आसपास के लोगों के साथ इंग्लिश में बात करो, अपने कलीग्स के साथ इंग्लिश में बात करो। और अगर आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी ऐसे एनवायरनमेंट्स ढूंढ सकते हो, जैसे कि क्लैपिंगो। क्लैपिंगो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन 1-to-1 इंग्लिश में लोगों के साथ कम्युनिकेट करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और यूट्यूब पे जाके क्लैपिंगो सर्च करते हो, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे लोगों की वीडियोज मिलेगी जहाँ पे वो क्लैपिंगो के ऊपर 1-on-1 लोगों से कम्युनिकेट करके इंग्लिश सीख रहे हैं। अब इसकी वजह से ना सिर्फ उन लोगों ने अपनी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया, बल्कि उनको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आया, और इसी चीज ने उनकी पर्सनैलिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है।